हेलो दोस्तों, मैं अरविंद मोरा स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल निशान क्लासेस में। आज के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के पार्ट्स के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो आप फिगर देख रहे हैं ये सेंट्रीफ्यूगल पंप का है और इससे मोटर कनेक्ट है, मतलब ये पूरा अरेंजमेंट है सेंट्रीफ्यूगल पंप का कि कैसे वर्किंग होती है, वर्किंग कंडीशन में सेंट्रीफ्यूगल पंप कैसे होता है। ठीक है, तो इसके जो मेन मेन पार्ट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो इसमें देखिए केसिंग है, इम्पेलर है, फुट वाल्व, स्ट्रैनर, मैकेनिकल सील और ग्लैंड। मतलब मैकेनिकल सील या ग्लैंड, किसी भी पंप में क्या होता है कि या सेंट्रीफ्यूगल पंप में या तो मैकेनिकल सील होगा या तो ग्लैंड होगा, दोनों में से एक चीज़ यूज होता है। ठीक है, इसलिए इसे हम और करके लिखें। ठीक है, ग्लैंड, बियरिंग हाउसिंग होता है, कपलिंग होता है और रोटेटिंग शाफ्ट होता है। ठीक है, ये सब चीज़ें, ये मेन मेन चीज़ें हैं इसकी। ठीक, तो अब देख लीजिए कौन सी चीज़ें कहाँ पे होती है। तो सबसे पहले देखिए केसिंग, ये जो केसिंग होती है, ये जो केसिंग होती है ये इम्पेलर के, इम्पेलर का जो बॉडी होता है, इम्पेलर का बॉडी होता है वही केसिंग है। मतलब देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो दिख रहा है आपको बॉडी, ये केसिंग होती है। केसिंग के कई टाइप्स होते हैं, वो आपको बताएंगे अभी कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं केसिंग के। ठीक, तो ये इसकी केसिंग होती है। ठीक, अब केसिंग के अंदर क्या होता है, इम्पेलर होता है जो कि रोटेट करता है। ठीक, ये इम्पेलर के भी टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स होते हैं इम्पेलर के भी, वो भी आपको हम बताएंगे। तो ये इम्पेलर होते हैं जो कि एक, ये इम्पेलर क्या होता है, एक शाफ्ट के थ्रू, रोटेटिंग शाफ्ट के थ्रू इस मोटर से कनेक्ट होता है। ठीक है, जो मोटर रोटेट करता है तो इस शाफ्ट के थ्रू क्या होता है, इम्पेलर भी रोटेट करता है। और जब ये इम्पेलर रोटेट करता है तो इसके इम्पेलर के बीच में जो होती है इम्पेलर आई होती है और यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है, और लो प्रेशर क्रिएट होता है तो क्या होता है, ये क्या है, सक्शन लाइन है। सक्शन लाइन कहाँ होती है, ये किसी जहाँ से हमें लिक्विड को सक करना है वहाँ पे रहता है, और यहाँ पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से क्या होता है, यहाँ सक्शन प्रेशर कम होता है, मतलब लो प्रेशर होता है, तो ये क्या होता है, लिक्विड सक हो जाता है। ठीक, और सक होने के बाद क्या होता है, ये इम्पेलर क्या करता है, यहाँ पे तो सक हो गया, अब इस इम्पेलर क्या होगा, उसके प्रेशर को बढ़ाता है और ऊपर की ओर डिलीवर कर देता है। ठीक है, तो ऐसे तो इसकी वर्किंग होती है। तो इसमें क्या होता है, केसिंग ये होता है और इम्पेलर समझ गए, शाफ्ट भी समझ गए। ठीक, अब इसमें क्या होता है, ये देखिए, अब ये एक होता है सक्शन नोजल, सक्शन नोजल ये होता है। ठीक, सक्शन नोजल में क्या होता है, सक्शन लाइन जुड़ी रहती है फ्लैंज के थ्रू, ये देखिए फ्लैंज होता है जो कि नट बोल्ट के थ्रू कनेक्ट होता है, ये फ्लैंज दोनों आपस में सट जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से फ्लैंज से कनेक्ट होता है ये लाइन। अब इस लाइन में क्या होता है, एक सक्शन वाल्व होता है, सक्शन वाल्व होता है, इसका यूज़ बताएंगे जब आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप का SOP पढ़ाएंगे कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप का, तो उसमें बताएंगे इसका यूज क्या होता है। तो ये क्या हो, सक्शन वाल्व है, डिलीवरी में भी डिलीवरी वाल्व होता है, यहाँ पे भी डिलीवरी, ये डिलीवरी नोजल है, इसमें भी फ्लैंज होता है, डिलीवरी लाइन जोड़ते हैं तो ये फ्लैंज से कनेक्ट रहता है। ठीक, तो अभी सक्शन देखिए, तो सक्शन क्या हो गया, सक्शन लाइन हो गया, सक्शन वाल्व होता है। अब इस सक्शन में क्या होता है, एक फुट वाल्व लगा रहता है, ये फुट वाल्व का काम क्या होता है, ये फुट वाल्व एक प्रकार से NRV होता है, मतलब नॉन रिटर्निंग वाल्व। ये क्या करता है, जो लिक्विड हम सक करते हैं, जब लिक्विड सक होता है पंप में, जब सक होगा तो ये फुट वाल्व जो होता है ऊपर की ओर उठता है, ऊपर की ओर खुल जाता है। ठीक, ऊपर की ओर ये फुट वाल्व खुल जाता है और लिक्विड सक होता है। लेकिन अगर बाई सपोज दैट ये पंप बंद हो गया और लिक्विड क्या होगा, बैक फ्लो मारेगा, तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये फुट वाल्व बंद हो जाता है। ठीक है, उस कंडीशन में खुलता नहीं है, वो लिक्विड नीचे नहीं आ सकता है। ठीक, तो ये इसका काम होता है। ठीक, उसके नीचे क्या होता है, स्ट्रेनर लगा रहता है, ये स्ट्रेनर एक प्रकार की जाली होती है, फिगर दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, देखिएगा इस समझ में आएगा। तो एक प्रकार की जाली होती है जो लिक्विड को छानने का काम करता है, जिससे कोई इसमें से बड़ा पार्टिकल वगैरह ना जाए, तो ये क्या करता है, छानने का काम करता है, स्क्रीन होती है ये। ठीक है, तो ये होता है स्ट्रेनर। तो ये तो इधर का पार्ट हो गया। ठीक, अब इधर देखते हैं, अब ये देखिए जो ये इसके केसिंग है, केसिंग से आगे जो होता है ये बियरिंग हाउसिंग होता है, बियरिंग हाउसिंग के बीच में क्या होता है, यहाँ पे एक मैकेनिकल सील या ग्लैंड लगी रहती है। ये मैकेनिकल सील और ग्लैंड का काम क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे जब प्रेशर, ये जो इम्पेलर रोटेट करेगा और ये किसी भी लिक्विड को डिलीवर करेगा, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर से डिलीवर करता है। जब प्रेशर क्या होगा, अब यहाँ पे अगर हम ग्लैंड ना लगाएं तो इसे केवल शाफ्ट लगा रहे हैं, तो शाफ्ट के बीच में थोड़ी बहुत तो जगह होगी, थोड़ी सी जगह होगी इसे रोटेट करने के लिए। ठीक, तो जब उस जगह से इसमें प्रेशर होगा तो उस जगह से क्या होगा, ये लिक्विड यहाँ से लीकेज होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से लिक्विड लीकेज होगा, तो उसको रोकने के लिए यहाँ पे सील का यूज करते हैं। ठीक है, इस सील का यूज करते हैं, या तो यहाँ पे ग्लैंड का भी यूज किया जाता है। ठीक है, दोनों यूज होता है, वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें यूज होती हैं अकॉर्डिंग टू यूज। ठीक,
जैसे आप गांव में देखे होंगे जहाँ गांव के जो इंजन होता है जिससे सिंचाई वगैरह की जाती है, तो वहाँ पे ग्लैंड भरे जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, ग्लैंड वाला पंप होता है। यहाँ पे क्या है, ये सील वाला पंप है। इंडस्ट्रीज में भी सील वाला पंप होता है, ग्लैंड वाला भी पंप होता है। कहीं कहीं पे ग्लैंड भरा जाता है, कहीं पे सील होता है, ठीक है। नॉर्मल जहाँ पे वाटर वगैरह पंप करना रहता है तो वहाँ पे ग्लैंड वाला पंप ही लगाते हैं, क्योंकि ग्लैंड वाला पंप क्या होता है, सस्ता होता है। जो मैकेनिकल सील होती है काफ़ी महंगी होती है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है सील, ठीक है। तो यहाँ पे सील लगा रहता है, सील में कूलिंग वगैरह सब रहता है, कूलिंग का भी इसमें लगा रहता है, कूलिंग का नोजल रहता है जो यहाँ से कनेक्ट रहता है इस सील में, ताकि यहाँ ये जो रोटेट करेगा तो ये कूल रहे, ठीक है। मतलब फ्रैक्शन की वजह से ज़्यादा हॉट ना हो, तो इसलिए इसको कूलिंग भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक। अब इसके आगे देखिए, ये बियरिंग हाउसिंग है। बियरिंग हाउसिंग होता है, आपको फिगर दिख रहा हो उसमें देखिएगा, ये बियरिंग हाउसिंग में क्या होता है, दोनों साइड बियरिंग लगी रहती है, इनके दोनों साइड बियरिंग लगी रहती है जिन पे ये शाफ्ट रोटेट करते हैं, ठीक है। अगर बियरिंग नहीं लगाएंगे तो ये शाफ्ट डायरेक्ट अगर किसी भी मेटल पर रखेंगे और वो रोटेट करेगा तो काफ़ी ज़्यादा फ्रैक्शन होगा, और फ्रैक्शन से ये चीज़ टूटेंगे और पंप की इफिशेंसी भी घटेगी, ठीक, नॉकिंग भी होगी, तो उसके लिए बियरिंग का यूज करते हैं, ठीक है। और इस बियरिंग हाउसिंग में लुब्रिकेंट वगैरह, लुब्रिकेंट या ऑयल डालते हैं जिससे काफ़ी कम फ्रैक्शन रहे, ठीक। तो इसमें जगह होता है, यहाँ से लुब्रिकेंट वगैरह डाल देते हैं, ठीक। तो यहाँ पे बियरिंग होता है। अब इसके आगे देखिए, ये कपलिंग है। कपलिंग का काम क्या होता है, ये जो पंप का शाफ्ट होता है, ये पंप का ये पार्ट इतना अलग होता है, मोटर का पार्ट अलग होता है, दोनों को कनेक्ट किया जाता है आपस में। तो जब ये दोनों कनेक्ट कैसे होते हैं, इन दोनों का शाफ्ट जो होता है इस कपलिंग के थ्रू कनेक्ट होता है, मतलब कपलिंग के सहायता से ही उसे कनेक्ट कराते हैं, ऐसे कुछ होता है, ऐसे टाइप में इसे कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। इसके बीच में स्पाइडर लगा होता है। ये कपलिंग के भी टाइप्स होते हैं, कई टाइप्स के कपलिंग होते हैं, वो आपको हम बताएंगे कि कितने टाइप्स के कपलिंग होते हैं। तो इसमें क्या होती है, कपलिंग होती है, उसके बीच में स्पाइडर लगे रहते हैं, इनको डायरेक्ट इस शाफ्ट को पूरा ऐसा नहीं रहता कि मोटर से डायरेक्ट पूरा शाफ्ट जुड़ा रहता है, इस कपलिंग के थ्रू जोड़ा जाता है, ठीक है। वो क्यों जोड़ा जाता है वो हमें अभी हम उनको बता रहे हैं। तो यहाँ पे शाफ्ट होता है ये, उसके बाद ये मोटर होता है, मोटर रोटेट करता है और इस शाफ्ट की वजह से थ्रू ये इंपेलर रोटेट करता है, ठीक है, और ये लिक्विड को सक करता है। अब यहाँ पे देखिए कि कपलिंग क्यों लगाई जाती है, डायरेक्ट शाफ्ट क्यों नहीं लगा देते हैं। तो क्या होता है कि ये पंप का अरेंजमेंट कुछ अलग होता है, मोटर अलग होता है, इसका वाइब्रेशन कुछ और होगा, इसका वाइब्रेशन कुछ और होगा। तो इसको वाइब्रेशन को कम करने के लिए, ठीक, मतलब वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए इस कपलिंग का यूज किया जाता है। सपोज दैट यहाँ पे कुछ फंस जाए तो ये शाफ्ट से क्या होगा, कपलिंग के थ्रू ये कनेक्ट रहता है, तो कपलिंग टूट सकती है, कमजोर हो सकती है, लेकिन कमजोर होती है जिससे मोटर पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं जाएगा, ठीक है। और भी क्या होता है कि ये पंप अलग आता है, इसको देखिए, इसमें एक देखिए, अभी एक चीज़ मेन चीज़ इसका बहुत ज़्यादा मेन होता है, फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन अगर अच्छा नहीं है, पंप में अगर वो हो रही है, मतलब वाइब्रेशन हो रही है, ज़्यादा वाइब्रेशन हो रही है, तो ये पंप बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फाउंडेशन बहुत अच्छे से डिजाइन किया जाता है और इसे बहुत अच्छे से कहीं पे ज्वाइंट किया जाता है, मतलब जहाँ पे भी हम इसे रखते हैं पंप को, जहाँ पे भी लगाते हैं, तो अच्छे से इसको सेट किया जाता है ताकि इसमें बहुत कम वाइब्रेशन हो। और ये इस कपलिंग का अलाइनमेंट ऐसे किया जाता है ताकि जो मोटर होता है और ये पंप अगर थोड़ा बहुत वाइब्रेट करे तो ये वाइब्रेट को क्या करता है, अरेंज कर लेता है, मतलब दोनों के वाइब्रेट को कंट्रोल कर लेता है एक प्रकार से बोलें तो आप, क्योंकि इसका वाइब्रेशन कुछ और होगा, इसका भी वाइब्रेशन कुछ और होगा। तो यहाँ पे इस कपलिंग का काम होता है। जब कपलिंग पढ़ाएंगे तो उसमें और डिटेल में आपको हम बता देंगे कपलिंग कितने टाइप्स के होते हैं, क्या होता है, ठीक। तो ये कपलिंग हो गया, उसके बाद ये मोटर होता है, ठीक। तो ये इसके मेन मेन पार्ट रहे, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, ठीक। अब बात करते हैं केसिंग की, ये कोई केसिंग होती है। अब ये केसिंग जो होती है कितने टाइप्स की होती है, ठीक, केसिंग कितने टाइप्स की होती है। तो केसिंग कितने टाइप्स की होती है, बेसिकली तीन टाइप्स की केसिंग होती है। पहला जो होता है वॉल्यूट टाइप केसिंग होती है, वॉल्यूट केसिंग होता है। दूसरा जो होता है वॉर्टेक्स केसिंग होता है, वॉर्टेक्स केसिंग। और तीसरा क्या होता है, डिफ्यूजर रिंग केसिंग, ठीक, ये डिफ्यूजर रिंग केसिंग होती है। इन तीनों का फिगर यहाँ पे बनाया है, देखिए ये क्या है कि ये वॉल्यूट केसिंग का फिगर है। अब वॉल्यूट केसिंग में क्या होता है, वॉल्यूट केसिंग एक स्पाइरल टाइप केसिंग होती है, इसमें एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज होता है। एरिया ऑफ फ्लो इंक्रीज कैसे होता है, ये देखिए, यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो ये है हमारा इम्पेलर, ये क्या है हमारा इम्पेलर है, सॉरी इम्पेलर है, ठीक, ये इम्पेलर है। इम्पेलर से जो केसिंग होती है, यही केसिंग है ना, ये जो बाहर आप ब्लैक कलर से देख रहे हैं, ये क्या है, इस पंप की केसिंग है।
अब ये केसिंग क्या होती है, इंपेलर से यहाँ से देखिए कम एरिया होता है, जैसे जैसे आगे बढ़ता है तो इस इंपेलर और केसिंग के बीच में एरिया बढ़ती जाती है। अब देखिए यहाँ पे एरिया कुछ और हो गई, यहाँ पे एरिया कुछ और, मतलब धीरे धीरे क्या हो रही है, एरिया बढ़ रही है, एरिया क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जब एरिया इंक्रीज होती है तो वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। मतलब किसी भी चीज़ को अगर हम पहले पतले पाइप में फ्लो करा रहे हैं, उसके बाद उसकी एरिया बढ़ा के मोटे पाइप में फ्लो करा रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी ना। तो ये क्या होगा कि जैसे जैसे एरिया बढ़ता है वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम होती है। और वेलोसिटी कम होती है तो प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो ये प्रेशर इसका इंक्रीज होता है, तो ये हाई प्रेशर से फ्लूड को क्या करता है, पंप करता है, ठीक है। तो इसकी ये हाई प्रेशर के लिए इसका यूज करते हैं। ये एक बेसिकली कॉमन टाइप है, मोस्ट कॉमन टाइप है, ये वॉल्यूम टाइप केसिंग होती है, मतलब इसका यूज काफ़ी जगहों पे किया जाता है। ये एक सिंपल टाइप केसिंग होती है, बहुत ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इसकी इफिशेंसी भी अच्छी खासी होती है, लेकिन वॉर्टेक्स केसिंग की अपेक्षा इसकी इफिशेंसी थोड़ा कम होता है, अभी बता रहे हैं। अब देखिए वॉर्टेक्स केसिंग देखिए, लगभग लगभग आपको सेम दिख रहा फिगर, लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, वॉर्टेक्स केसिंग में क्या होता है कि इंपेलर और केसिंग के बीच में क्या होता है, एक सर्कुलर चैम्बर होता है, यानी कि जो इंपेलर और केसिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हर एक जगह पे लगभग सेम होता है। इसमें क्या होता है, डिफरेंट हो रहा था, इसमें क्या होता है, लगभग लगभग सेम होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ईडीज फॉर्मेशन नहीं होते हैं, ठीक है। और जब ईडीज फॉर्मेशन नहीं होते हैं तो इसकी इफिशियंसी इंक्रीज होती है, ठीक है, मतलब इसकी इफिशियंसी अच्छी होती है, ठीक। तो इसका क्या होता है, ईडीज फॉर्मेशन नहीं होता, इसमें एक सर्कुलर चैम्बर होता है इनके बीच में, ठीक है, जिससे क्या होता है, ये आप बोल सकते हैं वॉर्टेक्स चैम्बर या सर्कुलर चैम्बर, वॉर्टेक्स चैम्बर या सर्कुलर, आप लिख लीजिएगा सर्कुलर चैम्बर। और ये क्या है, वॉल्यूट चैम्बर यहाँ पे होता है, ये वॉल्यूट चैम्बर होता है, ठीक है। तो इन दोनों का आप समझ गए कि वॉल्यूट केसिंग क्या होती है और वॉर्टेक्स केसिंग क्या होती है, ठीक। अब तीसरे नंबर पर है डिफ्यूजर रिंग केसिंग। डिफ्यूजर रिंग केसिंग में देखिए क्या होता है कि इसकी केसिंग देखिए कुछ सर्कुलर टाइप ये भी होती है, और इसकी जो डिलीवरी होती है बीच से होती है, और इसमें देखिए जो ये इंपेलर है, इंपेलर ये देखिए क्या है, इंपेलर है, ये इसका इंपेलर है। इंपेलर और केसिंग के बीच में क्या होता है कि एक वो लगे रहते हैं, ये वेन लगे रहते हैं, वेन या आप इसे गाइड ब्लेड बोल दें, ये जो रेड कलर से हम दिखाए हैं ये गाइड ब्लेड हैं, ये क्या होते हैं, एक रिंग पे कनेक्ट रहते हैं, मतलब रिंग से जुड़े रहते हैं, ठीक है। इंपेलर से एक रिंग रहती है, रिंग पे क्या होता है, ये गाइड ब्लेड जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये गाइड ब्लेड जुड़े रहते हैं तो इनसे क्या होता है कि जो पंप लिक्विड हमारा सक होगा उसकी इस गाइड ब्लेड के थ्रू क्या होती है, प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है। गाइड ब्लेड क्या करते हैं, प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, तो इसका भी क्या होता है कि हाई प्रेशर के लिए इसका यूज करते हैं, इससे क्या होता है कि प्रेशर इंक्रीज होता है इस टाइप के केसिंग में, ठीक। क्योंकि इसमें क्या होता है, केसिंग में इस इंपेलर पे क्या होते हैं, ये लगे रहते हैं गाइड ब्लेड, और इनको क्या बोलता है, डिफ्यूजर बोला जाता है इनको, इन गाइड ब्लेड को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजर बोलते हैं, जो कि एक रिंग पे लगे रहते हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या होता है, डिफ्यूजर रिंग केसिंग, ठीक। तो आप तीनों टाइप की केसिंग समझ गए होंगे। अब इसके बाद इंपेलर है, तो अगर इस वीडियो में इंपेलर के टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो मतलब पार्ट ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप पार्ट टू, अभी ये क्या है पार्ट वन इसको हम बना दे रहे हैं, और जब पार्ट टू में आएंगे तो उसमें इंपेलर के टाइप को बताएंगे, उसके बाद फिर फुट वाल, फिर मैकेनिकल सील के टाइप वगैरह सबको डिस्कस करेंगे एक एक वीडियो में। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही।